मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद शिमला में भाजपा ने लड्डू बांटकर और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन झूठी गारंटियों का दौर हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ था, उनकी आज हवा निकल गई है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में गारंटियों को पूरा करने का झूठा प्रचार इस चुनाव में कर रही थी। जयराम ने कहा कि वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन इशारों में ये भी कह दिया कि हिमाचल में अब कांग्रेस सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सरकार से नाराज चल रहे हैं और आज के बाद ये नाराजगी और बढ़ने वाली है। क्या बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सुनिए विस्तार से। निश्चित रूप से जो हमारी उम्मीद थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से इस देश में चल रहा है, देश में नहीं दुनिया तक वो चल रहा है, और इसका असर निश्चित रूप से होगा जिन 4 राज्यों में चुनाव अभी होकर के आज इनके परिणाम निकले, उसमें परिणाम में आपको देखने को मिला होगा बहुत शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2024 में हम 4 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हौसले जो बहुत बुलंद हुए थे कुछ दिनों में, कुछ वक्त से, कुछ प्रदेशों के एकाध प्रदेश के चुनाव के पश्चात वो हौसले अब पस्त हो गए, अब सीधा उनको मैं मालूम पड़ गया, महसूस हो गया ये गारंटियों का झूठा जो प्रचार उनने करके रखा था उसका उसकी हवा निकल गई है। जा करके यहाँ के नेता दूसरे प्रदेशों में जा करके भाषण दिए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 की 10 गारंटियाँ हमने लागू कर दी, और मैं तो हैरान हुआ वहाँ छत्तीसगढ़ में जा करके, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो हाँ जिनकी सरकार चले गई आज, वो भाषण में बोल रहे थे अपने कि हिमाचल प्रदेश में मैंने गारंटियाँ शुरू की और 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को और हमने गारंटी पूरी की, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, और अब तो यहाँ की सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। उस तरह का संदेश कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ और उनको भी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जनादेश का जन का अभिनंदन। एक बात तो ऐसा है कि कुछ एक मंत्रियों ने तो आशा ही छोड़ दी और उनको अब कुछ आज 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 कुछ और छोड़ जाएंगे उम्मीद, क्योंकि अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस सरकार में तो उम्मीद है नहीं, अब सरकार का भरोसा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि चारों तरफ अव्यवस्था का दौर इस कदर चला हुआ है पूरे प्रदेश में कि लोगों का भरोसा ही उठ गया। 1 साल के इस छोटे से कार्यकाल में ही लोगों का भरोसा वर्तमान सरकार से उठ गया है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।